all of you. Good evening, class. चलिए बच्चों, time and work पूरी unit अभी complete हो चुकी है. चाहे हम बात करें pipe and cistern, work and basis, time and work में जो individual type questions रहते हैं, group wise questions रहते हैं, मतलब overall हम लोगों ने पूरा time and work complete कर लिया हर एक चीज को. मैंने आपको बोला था कि दो lecture या एक lecture जरूर ऐसा रखेंगे जो कि बड़ा भी होगा और जिसमें हम लोग practice करेंगे. तो overall आज आपका time and work पूरी complete unit का practice session है और practice session कम doubt discussion ज्यादा है. आज के session में आप वो सब चीजें हमसे पूछ सकते हो जो भी चीजें आपको इस unit में problem create की है. ठीक है, पूरी तरीके से फ्री हो, आज कोई बाउंडेशन नहीं. अभी तक आप लोग मेरे अकॉर्डिंग पढ़े हो, आगे के सेशन आपके अकॉर्डिंग होगा. आपके दिल में जो आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, आप बहुत कुछ है वो जहां पे पूछा वहां पे पूछा, पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, वो चीजें आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हो. ठीक है, तो आपके मन में कोई भी चीज है आप हमसे पूछो. कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो, वो आपसे अगर सॉल्व ना हुआ हो, गलत आंसर आ रहा हो, ये सारी चीजें आप हमसे पूछो. और अगर क्वेश्चन आना बंद हुआ, वही लेक्चर ओवर. क्वेश्चन आने बंद नहीं होने चाहिए. ठीक है, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ भैया पूछो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए बताने के लिए, ऐसा नहीं है. The mean proportion between x and y is n times the third proportion in the ratio of x and y. क्या पता? तुमने पूछा सवाल तुमने? तो अभी ये रेशियो का सवाल पूछा राहुल ने. एक सवाल इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट अभी टाइम एंड वर्क पढ़े, अभी टाइम एंड वर्क पे फोकस करना है ना. लेवल सीट, ठीक है, कौन से टॉपिक की? आपको तीन सीट दी गई है, तीन सीट दी गई है. टाइम एंड वर्क फर्स्ट, मतलब टाइम एंड वर्क पे, अच्छा सीट टू, टाइम एंड वर्क पे दिया गया है. मैं जरा सीट डाउनलोड कर लेता हूँ. तो कहाँ लिया? ये है स्टोर. दिस इज ये लेवल टू सीट है. कौन कौन से क्वेश्चन आपने बोले थे? 36, 37 और 55. ओके चलो भाई, टाइम एंड वर्क की सीट नंबर टू ओपन कर लो. लेवल टू जो सीट है वो ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसके स्क्रिप्ट क्वेश्चन तो मेरे पास भी नहीं है. तो उसके क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 55 की बात की है. तो अपने क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. टाइम एंड वर्क लेवल टू सीट है. क्वेश्चन देखने में बड़ा प्यारा सा लगा. एक लड़का किसी काम को पूरा करने के लिए आदमी से 15 घंटे ज्यादा लेता है. लड़के ने 18 घंटे काम किया और फिर आदमी ने उसकी जगह पर आकर काम किया, 6 घंटे काम किया. इस प्रकार 3/5 भाग कार्य पूरा होगा. यह मानकर कि आदमी काम करना जारी रखे, काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया. चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36. इलेवन में लड़का किसी काम को पूरा करने में एक आदमी से 15 घंटे ज्यादा टाइम लेता है. एक आदमी है और एक लड़का है. आपको बात समझाने के लिए हम ये बोल देते हैं कि अगर आदमी एक्स टाइम एक्स घंटे में काम कर रहा है, तो लड़का एक्स प्लस 15 घंटे में काम को कंप्लीट. ये बात यहां तक निकल के आई. फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि लड़के ने 18 घंटे काम किया. उसी की बात है. आगे इन्होंने बोला है कि आदमी ने, फिर लड़का चला गया, फिर उसकी जगह पे आदमी आ गया और आदमी ने 6 घंटे काम किया. तो इस तरीके से 3/5 भाग कार्य पूरा. इस तरीके से 3/5 भाग, जब इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया, तो इन्होंने बोला कि 3/5 भाग कार्य पूरा. टर्निंग पॉइंट कौन सा है? बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इसके आगे कुछ पता ही नहीं है. अब जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि पूरा काम कितनी देर में कंप्लीट हो, कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें ऐसा फील होगा कि शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ लगा होगा. बट नहीं, आजकल जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आ रही है वो बड़ी मजेदार है, बहुत ही अल्टीमेट लैंग्वेज आ रही है क्वेश्चन की. तो उस पर हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से गौर करके देखा रहेगा. क्या क्या करना, बस ये हो चुका है कंप्लीट और कुछ नहीं है. ठीक है, काम कितने टाइम कंप्लीट होगा, आपसे पूछा गया. चलिए भाई, आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे. तो यहां पर थे, ठीक है, 54 नहीं 55 नहीं 54, ओके. तो यहां पर हमें अब बताओ टर्निंग पॉइंट, मतलब कहां से क्वेश्चन को कैप्चर किया जाए. जितना दिया हो गया, पूछा काम कितनी देर में कंप्लीट हुआ, बोले एक आदमी लड़का है, वो आदमी से 15 घंटे ज्यादा टाइम लेता है काम कंप्लीट करने में. ओके, तो यहां पर बोला कि लड़के ने 18 घंटे काम किया, आदमी ने 6 घंटे काम किया और काम का 3/5 पूरा हो गया. अब बताओ पूरा काम कितने देर का? लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई कैसे क्या किया, नहीं पता. फिर क्या करना चाहिए, ये कोई बता सकता है? लेवल टू सीट का टाइम एंड वर्क वाले सेक्शन में जाके देख लो, वहां पर पढ़िए. टाइम एंड वर्क सेक्शन बनाया आपके, उसमें पढ़िए लेवल वन लेवल टू. ये टाइम एंड वर्क वाले से उन्होंने पूछो क्या किया जाए. देखो यार, हमें ये पता है कि अगर 3/5 भाग किया, मतलब काम का 3 हिस्सा करने में से 18 घंटे और 6 घंटे काम किया, अगर हम पूरा काम करें, पूरा 5 हिस्सा काम करें, अगर हम पूरा काम कंप्लीट करें, तो 3 था तो 18 और 6 कर रहे थे. पूरा काम 5 करना होगा तो 18 की जगह कितना हो जाएगा? 3/18 = 5/30 और ये 10 घंटे. तो क्या हम अब इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि लड़के ने 30 घंटे काम किया और फिर आदमी ने 10 घंटे काम किया और काम पूरा हो गया? यस और नो? हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं. और अगर ये स्टेटमेंट यहां तक पहुंच गए हो, तो शायद अब रास्ता दिख गया होगा. अभी एक सेकंड पहले रास्ता नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा कैसे बढ़े, लेकिन अगर ये कर गए अब काम कंप्लीट हो गया. कंपेयर कर लेना चीजों को, अब काम कंप्लीट हो गया, लड़के ने 30 घंटे काम किया और आदमी ने, ये पॉइंट क्लियर हो गया. लेकिन अभी ये अभी भी पता नहीं है कि लड़के ने कितना काम किया और आदमी ने कितना, ये हमें अभी भी पता नहीं. अब सोचो और क्या करना चाहिए. लेवल टू सीट मजाक नहीं है, मजेदार है ना? और लेवल थ्री तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है. पर सोचो, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम नहीं, यहां से आगे कैसे अब यहाँ पर भी तो सोच लो, इन सबको तो यूज कर रहे हो. मैंने क्या बोला, सवाल की इन्फॉर्मेशन यूज करो, ये तो यूज कर लिया. यहाँ पर कुछ सोचना, डाउट क्लास का मजा तभी है जब काम तुम करो. 30, 40, 36, 42, ठीक है,
अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? 3x plus x by 15 थोड़ा जरा सा रह गया, पहुंच रहे हो लगभग रास्ते तक, 30 कहां से लाया हमें नहीं पता है, लेकिन रास्ते पे पहुंच रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। एक बात मैं बता रहा हूं, ये वर्किंग डेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, क्या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? ये वर्किंग डेज के बारे में बताया गया, क्या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? सर डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर वर्किंग डेज ये है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, बोले सर x plus 15 रेशियो x, ये वर्किंग डेज एफिशिएंसी का रेशियो क्या? और अगर एफिशिएंसी है इसका मतलब आदमी इतना काम कर रहा है, लड़का इतना काम कर रहा है और काम कंप्लीट, यस और नो? काम कंप्लीट। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग पूरा काम कितना होना चाहिए? बोले सर अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो लड़के ने किया 30 दिन काम, लड़के ने किया है 30 दिन काम, इसका मतलब एक दिन में लड़का x यूनिट काम कर ले तो 30 दिन में ये काम हो जाएगा। अच्छा फिर क्या हुआ? आदमी ने किया 15x, x plus 15 काम और 10 दिन काम किया, इसका मतलब ये हो जाएगा 10x plus 150। इतना काम पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट वर्क है और इसमें से ये पूरा कंप्लीट वर्क कितना है? सर पूरा कंप्लीट वर्क है 40x plus 150, ये पूरा हमारा कंप्लीट वर्क है, ये हमारा पूरा कंप्लीट काम आ गया। सर टोटल वर्क ये है, ये काम किया लोगों ने, अब जितने भी दिन में करेंगे उनकी हिटक है, ठीक है? रमेश और सुरेश, इनके नाम सुनकर पता नहीं कि हमें टाइम एंड वर्क कब अच्छा ज्यादा याद आता है ना? तो रमेश और सुरेश
वुड फिनिश द गार्डन क्लीनिंग इन पी डेज. पी दिनों में एक गार्डन की सफाई कर सकते. उन्होंने क्यू दिनों के लिए एक साथ काम किया. इसके बाद रमेश बीमार पड़ गया और शेष सफाई सुरेश ने 8 दिनों में पूरी कर ली. उनमें से प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में इस बगीचे को साफ कर सकता था, यह आपसे पूछा गया. अब देखो, इसको लगाने के बाद दो तरीके रहेंगे. दो तरीके कौन कौन से हैं समझो. क्वेश्चन में आपको लिखा है रमेश और सुरेश मिलकर के पी दिनों में सफाई कर सकते. रमेश और सुरेश मिलकर के पी डेज में सफाई कर सकते, मिलकर के पी दिनों में सफाई कर सकते थे. बट इन्होंने क्या किया, वह सीन कुछ ऐसा कि इन दोनों ने क्यों दिनों तक काम किया. मैं रमेश और सुरेश लगा दे रहा हूं, नहीं यार रख लेते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. सॉल्यूशन देखो, इन्होंने क्यों दिनों तक काम किया. उसके बाद क्या हुआ, बोले सर उसके बाद रमेश बीमार पड़ गया और बाकी की सफाई जो है वो सुरेश ने की और 8 दिन में सुरेश ने सफाई कर दी और गार्डन एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये है सफाई करने का. चलो भाई अब बताओ क्या करना चाहिए. ये इस तरीके से ये चीजें बनी. अब बताइए क्या करना चाहिए. यहां से आपसे पूछा है वो दोनों अलग अलग कितने दिनों में सफाई कर सकते थे. देखो सवाल को सॉल्व करने के दो पैटर्न है, ठीक है. सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके. पहला तरीका क्या है, एक बात ध्यान रखना, सवाल में जितनी कम इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना तुम्हें सुकून रहेगा. यहाँ पर पी कैबले सर नहीं पता, क्यों कैबले नहीं पता, कुछ भी कर सकते हैं. तो क्यों ना कुछ वैल्यूज पुट कर दी जाए, बस ऐसी वैल्यू रखना जो सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या रख सकते हो, यस और नो, एक बार सोच के बताओ. क्या ऐसी वैल्यूज रख सकते हो जो सेटिस्फाई करनी चाहिए. कोई भी वैल्यू जो दिल में आए पूरा आज निकाल लो मन की बड़ा से. अप्रोच नंबर वन, चलिए अप्रोच नंबर वन की बात करें. अगर हमने क्या कर दिया कि भाई पी बराबर मान लिया 10 दिन, कि 10 दिन में काम कर रहे हैं. हमने मान लिया पी बराबर, खुशी की बात. फिर क्या हुआ, बोले सर फिर उसके बाद में ये रहा, पी बराबर 10 मान लिया, क्यू बराबर कुछ मान लिया. बोले क्यू बराबर मान लिया हमने 8 दिन, 8 दिन लोगों ने साथ में काम किया. इसका मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर भी जो दिल में आए, आर बराबर भी जो दिल में आए मान लो हमने मान लिया आर बराबर. अब मुद्दा सोचो, मुद्दा सोचो यहां से. यहां पर जो सिखाने वाली चीज है तुम्हें वो ये है कि जब 10 दिन में काम होना था 8 दिन तक मिलकर काम किया, मतलब 2 दिन मिलकर के काम और कर लेते तो काम कंप्लीट हो जाता. पी आर और एस रमेश और सुरेश अगर 2 दिन मिलकर काम कर लेते तो काम बराबर हो जाता पूरा. लेकिन रमेश छुट्टी पर चला गया, सुरेश ने किया 6 दिन लग गए, तो 2 दिन का काम करने में 6 दिन लग गए. तो रेशियो 3:1 रेशियो वन छुट्टी हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब यहां की एफिशिएंसी 3 है यहां की 1 है. अगर सुरेश की एफिशिएंसी 1 है तो इधर की 3 है, दैट मींस रमेश की एफिशिएंसी 2. दोनों की मिलकर कितनी हो रही है, बोले 3 हो रही है. 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, इसका मतलब पूरा काम कितना, बोले 30. इसका मतलब रमेश कितने दिन में काम करेगा, 15. सुरेश कितने दिन में काम करेगा, बोले 30. अब बस मेरे भाई काम कर जाओ, अपने ऑप्शन उठाओ और पी क्यू आर की वैल्यू रखना, क्योंकि आपका हर एक ऑप्शन पी क्यू आर के फॉर्मेट में. पी क्यू आर की वैल्यू रख देना, जो भी सेटिस्फाई करके ये वैल्यू दे जाएगा रमेश सुरेश कर देना, जो कि बाकी सब तरीकों से इजी पड़ेगा. पॉइंट क्लियर है, और ये सारी चीजें तो तुम्हें सिखाई हुई हमने, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को. अब हम लोग दूसरे अप्रोच पे बात करते हैं, दूसरा अप्रोच क्या है उसके बारे में. तो दूसरा अप्रोच इसी अप्रोच का जो ये लिखा हुआ इसी का अल्जेब्रिक फंक्शन देगा. अल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, अब उनसे अल्जेब्रिक फंक्शन मतलब ये हो जाएगा कि जहां पर पी है वहां पी रहे, जहां क्यू है वहां क्यू रहे. अब रमेश और सुरेश पी दिन में काम कर रहे थे, इन्होंने क्यों दिन तक काम किया, मतलब क्या है. बोले सर मतलब यह है कि रमेश और सुरेश अगर पी माइनस क्यू दिन काम और कर लेते, रमेश और सुरेश अगर पी माइनस क्यू दिन काम और कर लेते काम कंप्लीट हो जाता. यह सब रमेश और सुरेश अगर पी माइनस क्यू दिन काम और करते, पी दिन का काम था, क्यू दिन कर चुके थे, तो बस इतना काम करना. लेकिन हुआ क्या, बोले सर रमेश छुट्टी पर चला गया और सुरेश ने यह काम 8 दिन में किया, तो वर्किंग डेज का रेशियो आ गया. वर्किंग डेज का रेशियो आ गया. अच्छा, अगर वर्किंग डेज का रेशियो आ गया तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, बोले सर एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा आर रेशियो पी माइनस. पॉइंट क्लियर यहां तक.
ये सवाल तो आपको क्लास में ही मैंने बताया था, 17 दिन आंसर आया था। ये सब ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 50 बना है कि 150 कर्मचारी हैं, दूसरे दिन चार आदमी काम छोड़कर चले गए, तीसरे दिन चार और छोड़कर चले गए, चौथे दिन चार और चले गए, तो काम करने में 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो पहले काम कितने दिन हो रहा था, 17 दिन में, दूसरी कंडीशन में कितने दिन होगा, 25 दिन में। ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया था हम लोगों ने, अगला क्वेश्चन पूछो नेक्स्ट, और क्वेश्चन जल्दी से पूछो, जल्दी से पहले नहीं करो, जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी क्वेश्चन एक आदमी एक यूनिट काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोले सर टोटल वर्क हो जाएगा 1600 यूनिट, टोटल वर्क हो गया 1600 यूनिट, यहां तक क्लियर हुआ? उन्होंने कहा कि 40 आदमी काम पर लगा दिया, अब तो 40 आदमी काम पर लगे तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, बोले 40 आदमी ने काम करना शुरू किया, 40 दिन तक काम कर रहा, 10 दिन तक काम किया, 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो अगर एक दिन में 40 यूनिट काम करें, क्योंकि हर आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मानी हमने, अभी 40 आदमी 40 यूनिट काम करेंगे, 40 दिन में 1600 यूनिट पूरा काम कंप्लीट, तो अब क्या बोले 40 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, 10 दिन तक काम चलता, तो 10 दिन में कितना काम हो गया, बोले सर 400 यूनिट काम कंप्लीट, हमने कहा ठीक है खुशी की बात, फिर क्या बोले 5 चले गए, हमने कोई बात नहीं, 15 काम पर, ये भी 10 दिन तक काम करते रहे, 10 दिन 5-5 आदमी चले जाते हैं, तो फिर क्या बोले सर अब 35 आदमी काम करेंगे तो कितना काम होगा, 10 दिन में 350 हो गए, फिर 5 चलेगा, ठीक है काम लगाया हूं, अब 10 दिन में 300 यूनिट काम कंप्लीट होगा, यस और नो, इस तरीके का प्रोसेस चलने लगा, ठीक है, तो ये 400 350 300, अब इसके बाद में अगले दिन क्या होगा, अगले 10 दिन का सीन क्या होगा, 250 टोटल कितना हो गया, टोटल देखने पे ये हो जाएगा 1300, कितना हो गया सर 1300 चुका है, 1300 यूनिट काम हो चुका, फिर क्या करेंगे अगले 10 दिन का हिसाब किताब जोड़ लो, 50 दिन हो गए, कितना काम हो चुका है सर 1500, मैंने कहा ठीक है अगले 10 दिन का हिसाब किताब बताओगे सर, अगले 10 दिन में 150 होगा, ये काम कीजिए, 1500 तक पहुंच चुके थे, 50 दिन हो चुके थे, अगर अगले 10 दिन 60 दिन पूरे काम कराते 150 हो जाता, 1650 मिनट काम कंप्लीट होगा, लेकिन हमें 1650 मिनट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1600 चाहिए, ये 150 में हमें सिर्फ 100 चाहिए, अगर 10 दिन में 150 हो रहा है, अगर 10 दिन में 150 यूनिट काम हो रहा है, 150 यूनिट काम अगर 10 दिन में हो रहा है ये वाला, लेकिन हमें तो यहां पर सिर्फ 100 यूनिट काम चाहिए, क्योंकि 1500 तो हो चुका है, तो दो तिहाई कर दिया, तो टाइम कितना लगेगा सर, 6 सही 2/3 दिन में, ये सुनो, तो 50 दिन वहां पर और 6 सही 2/3 दिन यहां पर, टोटल आपको 56 सही 2/3 दिन लगेंगे, और यही सवाल होता है, सही 2/3 ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 60 हो गया, 60 के बाद में 61 नहीं सॉरी 60 के बाद कौन सा था, बोली 35 में सर सॉल्व तो हो गया, 35 कौन सा था, 35 तो शायद आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया, नहीं 36 किया, 35 रह गया, चलो 35 भी देखते हैं, ठीक है 35 हो चुका है, चलो मेरे जगह 57 नंबर है, 57 उठाते 35 उठाते, अभी मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं आपको पहले से लिख दे रहा हूं, अब 35 57 बोली का 64 है, 65 है और 66, मैं ये क्वेश्चन पिक करने के बाद में फिर आगे क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन उठाऊंगा, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये किसने पूछा था, शेखर ने पूछा था शायद, वैसे कर क्वेश्चन नंबर 35, ओके ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 लेवल 2 डायमंड वर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है इन्होंने, ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है और फिर भी उसी जगह काम को पूरा करता है, शेष आधे काम को पूरा करता है, ये तो वे 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ए बी से अधिक कुशल है, ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा, लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था सबसे मजेदार सवाल यही होता है टाइम एंड वर्क का, यस और नो, लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था, मैंने इसकी बढ़िया ट्रिक भी बताई, ये वही सवाल है कि ए और बी मिलकर के 7.5 दिनों में काम कर रहे हैं, आधा काम हो रहा है वगैरह वगैरह सारी चीजें, यस और नो, अब हमें करना क्या रहेगा उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी 7.5 दिनों में काम को कर रहे हैं, और अगर ए ने आधा काम किया, इन्हें आधा काम किया, बाकी का काम भी नहीं किया, मतलब बी ने भी आधा काम किया, तो फिर इन्हें कितना टाइम लग रहा है, बोले सर तो फिर इन्हें टाइम लग रहा है 20 दिन का, तो फिर इन्हें टाइम लग रहा है 20 दिन का, और एक चीज और देख रखी होगी, हाँ ए बी से अधिक कुशल है, ए एक्सपर्ट है बी से, ये जरूर दिया याद आगे कौन सा बताई भैया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ए अकेले कार्य को कितने टाइम में करेगा, आपसे पूछा गया, ठीक है कैसे करना रहेगा, देखो हमें 7.5 दिया गया और दूसरी साइड पर हमें 20 रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कहा था कि 7.5 डेसिमल खेलोगे ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 7.5 हो जाएगा 30, और जो 20 था वो हो जाएगा आपका 80, जो 20 था वो कितना देगा 80, हमने सारी कैलकुलेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्यों किया ये चीज भी हम लोगों ने उस लेक्चर में डिस्कस की थी, कि सारी चीजें रेशियो पे वर्क करें तो क्यों डेसिमल में पहुंचो, हमें पता है कि हम चाहते हैं 2 से भी कर लेते, लेकिन बाद में हमें आधा भी करना है ना, क्योंकि ये आधा काम किया, आधा काम किया, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करें सर इनका डिफरेंस लिखते हैं, अब क्या करते हैं इनका डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस आ जाएगा 50, डिफरेंस आ जाएगा 50, ठीक है अब हो जाएगा, डिफरेंस पे सर काम करना है, कहां बसे हम
ए ने आधा काम किया, ए ने आधा काम किया तो ए के हिस्से में कितना जाएगा, बोले 15 जाएगा। बी ने आधा काम किया तो बी के हिस्से में कितना जाएगा, 15 जाएगा। हमने आपको क्या सिखाया था, बोले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, बोले 225। हमने कहा प्रोडक्ट ऐसे पार्ट कर देना जोड़ने से 50 है, प्रोडक्ट ऐसे पार्ट कर देना 225 से ऐसे पार्ट कर देना जोड़ने से 50 है, ये सिखाया था आपको। ये सब प्रोडक्ट के ऐसे पार्ट कर देना 30 है, 30 में से ए ने कितना किया, बोले सर ए ने किया 15। हमने कहा ठीक है, बी ने कितना किया, बोले सर बी ने किया 15। हमने कहा ठीक है, अब क्या करना है, बोले सर ये बन रखा है हमारा 225, ये बन रखा है हमारा 225, 225 से ऐसे फैक्टर करो जोड़ने से 50 आ जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे 45 और 5, 45 पंचे 100, 225, 45 और 5। अगर तो ज्यादा एक्सपर्ट हो कम से भाग कर देना, तो ज्यादा एक्सपर्ट ए इसमें कम से भाग करके जाएगा, 5 से कर दो, तो 40 कर जाएगा। सिखाया था ये आपको ए रेशियो बी है, या फिर ये आपका बी रेशियो बी है, तो फाइनली बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एफिशिएंसी निकालना हमारा मेन पर्पस था, हमने एफिशिएंसी निकाल लिया ए और बी की एफिशिएंसी, अभी 3 मिनट काम कर रहा है, बी 1 मिनट काम कर रहा है, मेरे भाई पूरा काम कितना हो जाएगा, आप उनसे दोनों मिलाकर 4 मिनट काम करें, 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो, दोनों मिलाकर 4 मिनट काम करें, 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, पूरा काम कितना हो जाएगा, सर टोटल वर्क यहां से आ जाएगा 30 यूनिट, 7.5 गुणे 4 कीजिए। अब ये पूरा काम ए को करना है तो ए को टाइम कितना लगेगा, आपको भी सर ए को टाइम लगेगा 10 दिन, क्योंकि ए 3 मिनट काम कर रहा है, और यही सवाल होता है। एक पॉइंट क्लियर हो सभी को, यस और नो, किसने पूछा था, किसने पूछा था ये सवाल, शिखर पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। 10 का आंसर आएगा, ऑप्शन अगर नहीं मैच कर रहा है तो कोई फर्क नहीं है, आंसर 10 देगा। मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या सीन है, और मुझे पता है कि ऑप्शन सही नहीं, कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, मैं इंग्लिश में जरा देख लेता हूं। वर्किंग टुगेदर एंड वी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 7.5 डेज इफ इट वर्क्स अलोन, कंप्लीट हाफ द जॉब देन वी टेक ओवर देन कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द जॉब, दे विल कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। इफ बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, ओह माय गॉड, मेरा इंग्लिश में लाइन ब्रोक लिखा है, इंग्लिश में जरा कोई मैं कह रहा हूं कहीं गलत हो गया, इंग्लिश में लाइन ब्रोक लिखा है, इतने बोल रहे हैं कि ए बी से अधिक कुशल है, और इंग्लिश में बोल रहे हैं कि बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, क्लियर है ना, ठीक है, बात क्लियर हुई, हिंदी में बोल रहे हैं कि ए बी से ज्यादा कुशल है, तो जब ए बी से ज्यादा कुशल है तो आंसर हमारा ये आके रेशियो 3:1 का था, ये 3 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, अगर वो बोले कि बी ए से ज्यादा कुशल है तब बोले सर रेशियो करेगा, तब ए 1 यूनिट करेगा और बी 3 यूनिट करेगा, रेशियो तो रखना है, जैसा भी ये कुशल वाला काम क्या सो करता है, ये रेशियो को सो करता है, ठीक है। तो अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर आएगा 10 दिन, और अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ये आपका हिंदी के अकॉर्डिंग है, हिंदी के अकॉर्डिंग 10 दिन, और अगर आप यहीं पर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोले जहां पर लिखा है बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सर फिर तो ए 1 यूनिट काम करेगा तो इसे लगेगा 30 दिन, कन्वर्ट करने वाले में बस यही प्रॉब्लम आ जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो 30 दिन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बी ज्यादा एफिशिएंट है इंग्लिश में, एक्जेक्टली, ठीक है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर 10 दिन, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर 30 दिन। अब ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में टाइप करते हैं उसको सीधा गूगल ट्रांसलेटर से कन्वर्ट कर देते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही तो जरूर चेंज करते हैं, अदरवाइज अब जो टाइपिस्ट है उसको रीड जरूर कराया जाता है, और जब इतना सब स्टडी मटेरियल रीड कराया जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो नजर नहीं पड़ी होगी, क्वेश्चन जो भी होता है जो ऑप्शन होता है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेट होता है, आंसर कितना आएगा 30 ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ठीक है। चलो भाई 35 या 57 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 किसने जन्मदिन से पूछा था, 57 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 57 क्या है कि 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोनों काम कितने समय करेंगे, यदि पहले प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने दूसरे प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में काम करते हैं। अच्छा ये बात हमें जरा एक बात बताओ, ये लास्ट में लाइन बोली इसका मतलब क्या है, प्लीज जरा हमें इस बात का मतलब बताओ, जो लास्ट में लाइन बोली गई है कि पहले प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में जो काम करते हैं वो दूसरे प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में कर देते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, इट इज नोन दैट 2% ऑफ फर्स्ट टाइप कैन डू द सेम वर्क इन 2 आवर्स दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय 4% ऑफ सेकंड टाइप इन 1 आवर, बात तो एक ही है, आया ना, तुमने एक टाइप के 2 लड़के लगाए वो 2 घंटे में काम कर रहे, दूसरे टाइप के 4 लड़के लगाए 1 घंटे में काम कर रहे, ओवरऑल आउटपुट तो बराबर निकला, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 4, सब बराबर है, इसका मतलब ये पहला टाइप दूसरा टाइप क्या बकवास है, दूसरी लाइन सिर्फ कहलाने के लिए लिखी है, आया ना, भाई पहले टाइप के 2 लड़के 2 घंटे में काम करे 2 × 2 = 4 मिनट निकला, दूसरे टाइप के 4 लड़के 1 घंटे में काम करे 4 × 1 = 4 मिनट काम निकला, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया सर, पहला और दूसरा टाइप सिर्फ कहलाने के लिए दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं है, बोले सर यही लाइन तो घुमा रही थी, बाकी तो कुछ बचे नहीं, वो इक्वली एफिशिएंट एक्जेक्टली, तो दूसरी जो आखिरी लाइन है वो है किस लिए, बोले सर टाइम पास करने के लिए, जो उसमें बह गया वो बह जाएगा, आया ना, जो उसमें बह गया वो बह गया, वो सोचेगा यार ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है, ये सीजीएल मेंस का लेवल है, बट एक्चुअली वो सर किस लिए, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, हमने दिमाग से पहले सॉल्व कर लिया, हटाओ उस लाइन को, अब सवाल क्या बचा, बोले सर अब तो सवाल ये बिल्कुल जरा सा बचा है, क्या बोले 30 आदमी, अब क्वेश्चन क्या बचा है, बोले सर 30 आदमी 4 घंटे काम करके काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है ये हो गया, फिर क्या बोल रहे हैं, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या, बोले दूसरी कंडीशन ये 45 आदमी 8 घंटे काम करके दोगुना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, एक्स दिन में काम कंप्लीट करेंगे दोगुना काम, यहां पर एक काम है वहां पर दोगुना, बस हो गया ये आपको सुन, बस इतनी बड़ी चीज कैंसिल कर दो, 15 बार जाएगा, 15 को कैंसिल कर, 3 बार जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 20/3 = 6/2, ये सभी को ये सब छह सही 2/3 आंसर बिल्कुल सही है, जब मैं चाहिए आपने पूछा था ना सवाल, क्लियर हो सभी को, अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 64/65 अच्छा चलो अगले सवाल पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर बाबू 64, यदि किसी मजदूर के वर्ग को काम पर रखा जाए, वर्ग मतलब ग्रुप, वर्ग मतलब ग्रुप, यदि किसी मजदूर के वर्ग पर काम पर रखा जाए प्रत्येक अगले दिन एक मजदूर काम छोड़कर चला जाता है, और इसी तरह अंतिम दिन केवल अंतिम मजदूर द्वारा काम समाप्त किया गया, यदि कोई मजदूर काम छोड़कर नहीं जाता तो मजदूरों का यह समूह
उस काम को 2/3 समय में कर देते हैं, तो मजदूरों की संख्या कितनी थी? बढ़िया, क्या किया जाए? सवाल की कहानी सुनो, बोले हमने कुछ मजदूर लगाए, कितने लगाए हमें नहीं पता, हमने कुछ मजदूर लगाए कितने लगाए हमें नहीं पता, लेकिन डेली के डेली एक मजदूर काम छोड़कर जा रहा है, पर उसको हम रोक नहीं पा रहे। आखिरी दिन एक मजदूर बचा था, उसने आके काम किया, काम कंप्लीट किया, बोले अगर ये मजदूर काम छोड़कर ना जाते, अगर ये मजदूर काम छोड़कर ना जाते तो 2/3 दिन लगते, मतलब अगर पहले 30 दिन लगे उस कंडीशन के थ्रू, तो अगर ये काम छोड़कर ना जाते तो 20 दिन में काम कंप्लीट, 2/3 दिन। ये बताओ कितने मजदूर हमने काम पर रखे, रिवर्स गियर में गाड़ी रखी, आखिरी दिन कितने लोगों ने काम, आखिरी दिन कितने लोगों ने काम किया, बस आखिरी दिन एक लोगों ने काम किया, ठीक, उससे पहले उन्हें दो, उससे पहले तीन, उससे पहले चार, और हर एक आदमी की एफिशिएंसी एक यूनिट है, यस और नो, हर एक आदमी की एफिशिएंसी एक यूनिट, बाहर जाओ खाली, आखिरी दिन एक आदमी, सेकंड लास्ट में दो आदमी, थर्ड लास्ट में तीन आदमी, इसी तरीके से हमने पीछे से काम पकड़ लिया। अब एक बात, 2/3 की बात अगर उन्होंने की है, इसका मतलब टोटल दिन तीन लग रहे हैं, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल सोच के बताना, हम यहाँ पर कट मार सकते हैं या हम यहाँ पर कट मार सकते हैं या हम यहाँ पर कट मार सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज यहाँ पर तीन दिन लग गए, तो सपोज करो कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ होता, पहले दिन तीन आदमी लगे, एक चला गया, दूसरे दिन दो लगे, फिर एक चला गया, तीसरे दिन एक लगे, और काम कंप्लीट, काम कितना था, छह यूनिट काम कितना था, छह यूनिट काम था, और किया कितने लोगों ने, तीन दो तीन, हमने कहा एक भी आदमी भाग कर नहीं जाता, इस कंडीशन में बाबू टाइम लग रहा है 3 डेज, इस कंडीशन में टाइम लग रहा है 3 डेज, छह यूनिट काम करने का, हमने कहा बच्चा अगर एक भी बंदा काम छोड़कर नहीं जाता तो ये छह यूनिट काम कितने दिन में हो जाता, 2 दिन में, और यही आपका आंसर बन रहा है, 2/3 दिन लग गया, तो कितने आदमी उसने काम पर लगाए थे, 3 आदमी काम पर लगाए थे, सवाल हो जाएगा, तो 3 वर्कर्स उसने काम पर लगाए थे, सही करो, कौन कौन से सवाल नहीं हुए।
अच्छा टोटल 24 थे, आज फिर से ट्राई किया तो हो गए 10, हो गए ये बचे। ओके चलो एक बार करना, नहीं तो हो गए। मैंने बताओ रोज कहते हैं 10-10 बार, एक बार कुछ होता है ऐसा, तो गए चलो देखते यार। ओके आवाज सही है, चलो 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक ठेकेदार शमको की एक टीम को नियुक्त करता है जो एक निश्चित, ये कौन सा 72 है ना, लेवल 2 टाइम। एक ठेकेदार शमको की एक टीम को नियुक्त करता है जो एक निश्चित दिनों में एक काम के 365 हिस्सों को पूरा करने का ठेका लेता है, ठीक है। योजना के अनुसार प्रतिदिन 4 और हिस्से करना था, क्या है जो अडीम वर्कर्स वाज एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक टू फिनिश दी 360 पीस ऑफ अ सर्टेन अंकल इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। मेकिंग 4 मोर पीस पर डे इट वाज प्लान्ड दे कुड कंप्लीट द जॉब इन अ डे अहेड ऑफ द शेड्यूल, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट सवाल, ये कैसे होगा है? इतना टफ सवाल कौन पूछता है, काम कर दिया यार। 360 यूनिट काम करना है, ठीक है, 360 यूनिट काम करना है, दिल्ली का कुछ टारगेट होगा, ठीक है, दिल्ली का कुछ टारगेट होगा, टोटल 360 यूनिट करना है। बोले अगर 4 पीस डेली एक्स्ट्रा और बनाए जाए तो काम एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, इसके फैक्टर पर ध्यान दीजिए कैसा करना है। बोले अगर डेली, अगर डेली एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, अगर डेली 6 यूनिट काम कर रहे हैं, डेली 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, मतलब 60 दिन लगेगा। अपने का 4 यूनिट और बढ़ा लो, मतलब अब 10 यूनिट काम करो तो कितना दिन लगेगा, मतलब 36 दिन लगेगा। ये तो बहुत कम हो गया, हमें सिर्फ एक दिन काम करना है। बोले सर ये तो नहीं बना, फिर क्या किया जाए। इसी तरीके से सोचते जाओ, अगर अपने ऑप्शन को नजर पे देखो, अगर अपने ऑप्शन पे नजर डालो तो 8 दिन 9 दिन 10 दिन 12 दिन ऐसा कुछ सीन बना गया, 8-9-10-12, 8-9 तो समझ में आ रहा है ना कहां से काम चल रहा है, 8-9-10-12 यहां पर देखो तो अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें आंसर पे ले जाऊं, अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें आंसर पे ले जाऊं तो मेरे सर 36 यूनिट काम करो एक दिन में, डेली 36 यूनिट काम करो, इतना टाइम लगेगा। बोले सर 36 यूनिट काम करेंगे 10 दिन लगेगा। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, बोले अगर 4 यूनिट बढ़ा लो, मतलब 36 की जगह 40 यूनिट काम करो तो कितने दिन में काम हो जाएगा। बोले सर जितने दिन में कॉन्ट्रैक्ट लिया तो एक दिन पहले काम करो, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था 10 दिन का, ये सवाल था, क्लियर। बोले 360 यूनिट का पूरा काम था, डेली का टारगेट प्लान करने में 36 मिनट काम करेंगे, कॉन्टैक्ट टाइम से पूरा हो जाएगा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। गलत ड्राइवर ये काम करो, 4 मिनट एक्स्ट्रा करो डेली, एक दिन पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, सेटिस्फाइड। ये सवाल था और ये सवाल आपके एग्जाम में है, ये सवाल सीजीएल के एसएससी के एग्जाम में, एसएससी क्यों में आया, ये आपके एग्जाम में है, क्लियर हो सभी को, यस और नो, सभी को क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से बता दो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गए तुम लोग, रिप्लाई तुम लोगों को मुझे नहीं दिख रहा है यार, अजय बड़ा अजीब चल रहा है यार। ओके चलो अगला सवाल कौन सा था, 72 हो गया, 74-76 देख लेते हैं। 74 में क्या है, एक महिला 8 घंटे में किए काम, एक आदमी 6 घंटे में किए काम, एक लड़के 12 घंटे में किए काम के बराबर है, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, सबको 24 आ जाएगा एलसीएम, मतलब महिला 3 मिनट काम कर रही है, आदमी 4 मिनट काम कर रहा है, लड़का 2 मिनट काम कर रहा है। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम हो रहा है तो 9+6 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, 9+6 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 12+12 महिला और 12 लड़के उसी काम को 8 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, चलो भाई देख लेते हैं। एफिशिएंसी को सबसे पहले फाइंड करी ली हमने, क्वेश्चन नंबर है 74, लेवल 2 टाइम एंड वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी को सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड कर ही ली, एक आदमी 4 मिनट काम कर रहा है, औरत 3 मिनट काम कर रही है और लड़का 2 मिनट काम कर रहा है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद का सीन क्या देखा है, बोले अगर 6 घंटे काम करें 9 आदमी तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 9 आदमी 6 दिन में काम को कर रहे हैं, डेली 6 घंटे काम कर रहे और एक आदमी 4 मिनट काम कर, तो ये तुम्हारा पूरा काम निकल के आ गया। पूरा काम कितना, 9+6=36, 6+36 और 36 का वर्ग कितना होता है मिस्टर, 12-96 होता है, 36 का वर्ग कितना होता है, यही होता है ना 19-12 का वर्ग, 36 का वर्ग यही होता है ना 12-96, राइट यस और नो। अब क्या करना है, ये काम कंप्लीट करवाना है, ये काम कंप्लीट करवाना है, लेकिन किससे, बोले 12 आदमी, तो 12 आदमी कितना हो जाएगा, मैं अगर यहां पर देखूं तो 12 आदमी 12+48 प्लस 12 औरतें 12+36 प्लस 12 लड़के 24, मतलब टोटल 72 यूनिट काम करने वाली टीम है, जो टीम है वो 72 यूनिट काम कर रही है, यस और नो, 72 यूनिट काम कर रही है टीम। और बोले कि अगर ये लोग 8 घंटे काम करेंगे, मतलब अब हमें कितना काम कंप्लीट कराना है, बोले सर 1296 यूनिट काम कराना है, टीम हमारे पास जो है 1296 यूनिट काम कराना है, टीम है 72 यूनिट काम कर रही है एक घंटे में और ये 8 घंटे काम करेंगे, तो बस ये बता दो कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे, बस ये बता दो कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे, 36 × 72 36 × 36 दो से कैंसिल किया 18, अब दो से कट जाएगा तो ये 9/4 आ जाएगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 9/4 दैट इज इक्वल टू 2:1/4 डेज, और यही सवाल का उत्तर है, 2:1/4 डेज है, कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, क्लियर है तो संजय हो गया। अब बताओ अगला कौन सा है, ईमानदारी से एक बार सारे सवाल जो तुमने पूछे रिव्यू कर जाओ कि क्या अभी उनको और पूछना चाहिए, एक बार तुम्हें और ट्राई करना चाहिए, इतने क्वेश्चन के बाद आई थिंक अब तुम एक बार और ट्राई करना तो और सवाल तुमसे निपट जाएंगे, लग जाएंगे, उसके बाद में हम बाकी के सवालों को भी देख लेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, और कोई बात, अच्छा देखो आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो रहा है, जैसा कि मैंने टारगेट किया है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टारगेट बताऊं आपको तो मेरा टारगेट यह है कि 15 फरवरी या 16 फरवरी के आसपास तक आपका अर्थमेटिक फिनिश हो जाए 2.0 वालों का, है ना। अच्छा राहुल एक भाई साहब सवाल भेज रहे हैं तो इसको देख लेंगे, 72 की 1 साथ 108 होगा, एक मिनट, बिल्कुल सही है गणेश, सॉरी 108 होगा, बिल्कुल सही, मैंने जल्दबाजी
48 और 24 को ही सिर्फ ऐड किया, मैंने सिर्फ 24 और 48 को ऐड किया तो ये 72 आएगा, 108 होगा, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो ये यहां पर जाएगा 108 बार, ये 3 हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या मैं कर रहा हूं, हां ये 3 काटने के बाद तो x बराबर आ जाएगा यहां से 3/2 दैट इज इक्वल टू 1:1/2 डेज, और ये ठीक है। मैं जल्दी थोड़ा सा कुछ कर दिया, बिल्कुल अच्छा करके 10 हो गए, ओके ना ठीक है, एक सवाल बिल्कुल सही है गणेश, बहुत बढ़िया सही पॉइंट पकड़े हो, आंसर हो जाएगा आपका 1:1/2 सेकंड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अच्छा इसके बाद राहुल भी एक सवाल भेजे, राहुल का सवाल देखते हैं, राहुल का सवाल है पाइपलाइन सिस्टम का, ठीक है पाइपलाइन सिस्टम का रैंडम क्वेश्चन, ठीक है चलो इसको देखते हैं। राहुल सवाल भेजा, इफ टू पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वियर इज फिल्ड इन 12 आवर्स, वन पाइप फिल्स द रिजर्वियर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर, ठीक है हाउ मेनी आवर्स डज द फर्स्ट पाइप टेक टू फिल, परफेक्ट। सवाल तो वेरी वेरी टफ है, सवाल को थोड़ा सा हल्के से कर दे छोटे तरीके से, आप लोग एक सवाल सॉल्व करो, राहुल भैया का सवाल मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बोलूं, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी से 10 घंटे जल्दी काम करते हैं, दिन बोला था ना घंटे का, ए और बी मिलकर 12 घंटे में कोई काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 12 घंटे में कोई काम कर रहे हैं, ए बी से 10 घंटे जल्दी काम कर लेते हैं, तो आपको यह फाइंड करना है कि ये बताइए कि जो तेज भर रहा है वो कितने घंटे में पाइप को टंकी को भर देगा, मतलब काम को कर देगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ए 20 घंटे में काम को कर रहा है, बी 30 घंटे में काम को कर रहा है, तो 10 दिन का डिफरेंस भी है, यस और नो, यस और नो, ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, 5 से डिवाइड कर दो तो 12 घंटे में काम करेगा, तो जल्दी वाला कितने घंटे में काम कर देगा, 20 घंटे, हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, दिस इज द रीजन ऑफ प्रैक्टिस, क्या आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, ये 12 10 दिन के 10 घंटे का डिफरेंस, ये डाटा इतने बार रिवाइज हो चुका होता है, अगर आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करोगे आप इस सवाल को इसी तरीके से समझ सकोगे, और मैंने तो इतना सब किया, मैं तो मन में सब समझ गया आंसर क्या, लोग कहते हैं सवाल पढ़ के आंसर आ जाता है, सवाल पढ़ के आंसर ऐसे ही आते हैं, भाई आप इतनी प्रैक्टिस करके बैठे हो, अब ये बताना ईमानदारी से अपना टाइम एंड वर्क यहीं से स्टार्ट हुआ था, और जब तक हम लोगों ने आज तक की बात की तो कुछ नहीं होगा, तो ये सवाल 10 से 12 बार सामने से गुजरा होगा विद सेम डिजिट, कहां तक दिमाग में स्टार्ट हुआ। जैसे अभी इसने एक सवाल पूछा था कोहली ने, तो मैंने बताया कि ये सवाल तो हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है ना, तो लोगों को भी याद आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, मैं कौन सा सवाल हमने करवाया कौन सा नहीं किया, सामने भी डाटा चलता है, सिर्फ प्रैक्टिस है, कितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगला सवाल पूछिए, अगला सवाल भाई मैंने बोला रुकना नहीं चाहिए, ठीक है छुट्टी करूंगा, एक काम करना शुरू करो, ये बताओ मॉक टेस्ट कौन कौन दे रहा है, जितने भी लोग पढ़ रहे हो सभी लोग रिप्लाई करो, मॉक टेस्ट कौन कौन देना शुरू कर चुका है, इसको सवाल पूछना है वो पूछता जाए, 83 ठीक है देख रहा हूं, ये बताओ मॉक टेस्ट कौन कौन दे रहा है आप लोगों में, कितने लोगों कोई है, दे रहे अमन दे रहे सर मैं, बट एडवांस के क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, एडवांस में पढ़ाया भी नहीं हमने, अभी स्टार्ट नहीं किया, ओके स्कोर 110 120 तक ही रहा है, ठीक है। अब ये बताओ मैं रीजनिंग के काम करो, मॉक टेस्ट देना शुरू करो, अभी कंप्लीट मॉक टेस्ट मत दो, ठीक है अभी कंप्लीट मॉक टेस्ट मत दो, अभी सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ये आज से अप्लाई कर देना, कल से अप्लाई कर देना, ठीक है अभी सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो, ये मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज चलेगा आपका 20 से 25 दिन या 30 दिन, सीएचएसएल का भी आइडिया मेरे दिमाग में, आप लोगों ने सीएचएसएल का भी फॉर्म भरा होगा, आप लोग वो भी एग्जाम दोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अभी क्या करना है आपको, अभी आपको क्या करना है कि अभी सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो, रीजनिंग का एक मॉक लगाया, 25 क्वेश्चन उठाए, बोले सर 25 क्वेश्चन किए, ये 25 क्वेश्चन 13 मिनट में कंप्लीट हो गए, इन 25 में से 22 सही थे, 2 गलत थे, 1 अनअटेम्प्टेड था, इस तरीके से पूरा अपनी डिटेल डेली की डिटेल चले, हमने इंग्लिश का पेपर दिया, इंग्लिश का मॉक दिया, 25 क्वेश्चन थे, हमें ये करने में 14 मिनट लगा, इस 25 क्वेश्चन में हमारे 19 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे, इस तरीके से पूरा डिजाइन बनाना चाहिए, इससे क्या रहेगा कि तुम्हें पता रहेगा कि कौन से सेक्शन में कहां पर कितना काम कर, और जो ये गलत हो रहे हैं इन्हें सही करो, ये अटेम्प्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, यहां काम करो, इतना आपको काम, बात समझ में आई नहीं, इतना आपको काम करना है कि जो ये गलत हो रही है गलत क्यों हो रही है, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, जो अटेम्प्ट नहीं हो रहा है वो क्यों अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, ये काम कर सेक्शन वाइज डेली काम कर, क्लियर है, रीजनिंग का सिर्फ मूक पर्याप्त है आपके लिए, आगे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एसएससी में रीजनिंग का सिर्फ मूक पर्याप्त है, उसके लिए और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के लिए मूक के साथ साथ आपको रीडिंग एबिलिटी डालनी है, तो रीडिंग एबिलिटी के लिए न्यूज पेपर मत पढ़ना है ना, तुम लोगों को बैंक का एग्जाम नहीं देना, बड़े हाई लेवल का एग्जाम नहीं देना, क्या करना है कुछ भी पढ़ो, तुम्हें हिंदू पढ़ो नहीं, जो दिन में आए वो पढ़ो यार, रीडिंग एबिलिटी पढ़ना आना चाहिए, बस बात खत्म, कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर जाओ, बच्चा एक दो की मत पढ़ना बस है ना, वो बहुत कमजोर छाएगा, वो एमडीएस में भी नहीं आता होगा, ठीक है। अच्छा 9, 10, 11, 12 कोई भी किताब तुम्हें इंग्लिश का कुछ भी मिल जाए बस उठा के पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में जाकर स्टिक द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करो, कौन से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, जितना करना है उतना सॉल्व करो, ये सब चीजें, और इंग्लिश की और भी कोई एडवाइस देगा तो सबसे अच्छी चीज है, रीजनिंग का मैं बता सकता हूं, रीजनिंग का इनफ है आपका मॉक टेस्ट, और मैथमेटिक्स में देख लो, ठीक है। तो आप ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करो, लगभग 10 दिन बाद मुझे ये चीज फिर रिमाइंड करना, 10 दिन बाद के बाद अगली चीज बताऊंगा, आज ये काम करो तो 10 फरवरी तक का ये काम दे रहा हूं, 10 फरवरी तक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, ऐसा चार्ट डेली का डेली अपने पास प्रिपेयर करो, खुद की एनालिसिस करो, ओके चलो। क्वेश्चन एक पूछा था कोहली ने कौन सा है, 83। अच्छा सवाल तो यार देख लेते हैं,
रमेश और गणेश मिलकर 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। रमेश और गणेश 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? एक साथ काम करने के 7 दिनों के बाद इन्होंने एक साथ 7 दिन तक काम कर लिया। इसका मतलब यह हो गया कि अब रमेश और गणेश 7 दिन तक अगर काम कर चुके हैं तो उनके लिए 9 दिन का काम बचा था। कितने दिन का काम बचा था? पूरे साल 9 दिन का काम बचा था। लेकिन रमेश हो गया बीमार। लेकिन बीमार भी इस बार अजीब टाइप का हो गया। पहले वाले जब भी बीमार हुए तो काम छोड़ के चले जाते थे। ये बंदा काम पे आ रहा है लेकिन एफिशिएंसी इसकी कम हो गई। एफिशिएंसी कितना कम हो गई है? सिर्फ 30% घट गई, जिससे 16 दिन का काम 17 दिन में हुआ। मतलब रमेश आया तो लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम में था, इसलिए तो 9 दिन का काम बचा हुआ था वो 10 दिन में। 7 दिन तो काम कर ही चुके थे, 17 दिन में काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये 9 दिन का काम 10 दिन में हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा लग गया। ये चीज बात बन गई ऐसा है या नहीं? अब अगर इसका मतलब ये है, दैट मींस पॉइंट ये निकल गया कि एफिशिएंसी 10 और 9 यूनिट होनी चाहिए। 10 और 9 यूनिट होनी चाहिए एफिशिएंसी के रेशियो, 10 और 9 यूनिट होनी चाहिए। बट अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच में रेशियो दिखाई पड़ रहा है 10 और 7 का। 10 और 7 का रेशियो इसलिए दिखाई पड़ रहा है, 10 और 7 का रेशियो इसलिए दिखाई पड़ रहा है हमें कि भाई 30% कमजोर हो गया था वो। या सुनो, वो कितना कमजोर हो गया? बोले 30% कम हो जाती है तो वो 30% कमजोर हो गया। तो भाई अगर ये 10 यूनिट काम कर रहा है तो ये 7 यूनिट काम कर रहा है। ये बंदा तो सेम है, तो डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए। यहां पे इसमें एक डिफरेंस है। चक्कर क्या है? बोले चक्कर है कौन सा चक्कर? बोले एक को हटाने के लिए हमें काम कर सकते हैं, ये 3 का डिफरेंस देना है। तो एक काम करो, इसे कर दो 30 और इसे कर दो 27, हो गया 3 का डिफरेंस। क्योंकि गणेश तो कायदे से काम कर रहा है, पॉइंट क्लियर हो गया। गणेश तो कायदे से काम कर रहा है और रमेश में 3 का डिफरेंस आ गया कि रमेश की एफिशिएंसी 10 थी 7 थी, तो 30 से 27 हो गई। अगर 30 थी 27 हो गई, यहां पर सेम है 3 का डिफरेंस, दैट मींस गणेश जो है वो भाई साहब 20 यूनिट काम कर रहे हैं। बोला हां यार, क्लियर तारा, खेल क्लियर। मुद्दा क्या है? बोले सर रमेश 10 यूनिट काम कर रहा था, गणेश 20 यूनिट काम कर रहा था और मिलकर के 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोले अगर रमेश के बीमार होने के बाद गणेश अकेले काम करे तो शेष कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? इन्होंने बोला कि भैया जब रमेश अगर बीमार हो गया था उसको हटा ही दो, तब कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो पॉइंट ये है कि रमेश और गणेश का 9 दिन का काम कितना था? बोले सर 30 यूनिट अकॉर्डिंग ये काम है। इस काम को अगर अकेले गणेश करे तो 20 के अकॉर्डिंग कितना दिन लगेगा? तो आप कहोगे सर 9, 4, 13, 13.5 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। और यही सवाल का उत्तर है, यस और नो, 13.5 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल सही। बढ़िया सवाल, मस्त सवाल। ऐसे सवाल देखिए, मतलब दिल खुश होता है कि हाँ यार, बच्चे ने कुछ पूछा है, पढ़ाने में मजा आता है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर सभी को, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब एक काम करते हैं, आज का सेशन आज ओवर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? कुछ एक अर्जेंट काम आया हुआ है, आज का सेशन ओवर कर रहा हूं। चलिए जी, आगे इसी तरीके से चलाएंगे, आपको बाकी के पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। इस तरीके से डाउट क्लियर कराए जाए, सही रहेगा ना? अगर इस तरीके से डाउट क्लियर कराए जाए, परफेक्ट है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर सिर्फ टाइम एंड वर्क में आगे सभी जगह चलेगा। हर टॉपिक में अगर पसंद आ रहा है, चीजें हेल्पफुल है, कोई भी काम अगर आपके लिए हेल्पफुल है, हमें करने में बड़ी खुशी मिलेगी, कोई उसमें पाबंदी नहीं। तो अगर इस तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं, सही है या नहीं है, जैसा कुछ भी रहेगा बताओ। और हाँ, आज का सेशन ओवर कर रहे हैं, कल यही डाउट सेशन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वर्क एंड विजिट और पाइपलाइन सिस्टम की सीट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है? चलो भाई, आज का सेशन ओवर कर रहे हैं, डाउट क्लास आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और आगे के टॉपिक्स में भी कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो आज का लेक्चर ओवर कर रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर जाइए। चलिए भाई, आ जाओ यार, आसू थक गया, आज अपनी क्लास काफी लेट है ना? आज मुझे लग रहा था मैं पूरे दिन फ्री हूँ, बट उसके बाद में 2 बजे के बाद ऐसा बिजी हुआ कि अभी तक फुर्सत नहीं है। अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले फ्री हुआ, मैंने कहा कितना हो गया, बोले सर लेट हो चुके हैं, सब बैठ चुके हैं, स्टार्ट हुए। तो जस्ट मैसेज दो कि आप लोगों को क्लास अभी करते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा जो हार्ड डे रहता है, बिजी डे रहता है, ये भी अपने लिए एक मोटिवेशन ही है, बिजी रहना भी चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इन भाई वो नहीं बनना चाहते। तो मुद्दा कहाँ पे था, कहाँ पे हम लोगों को स्टार्ट करना था, कहाँ पर थे हम लोग? न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट कहाँ से आए हम आओगे? तुम्हारे लिए क्या दरवाजे पर कलश रखे हम है? तुम आओ फिर उसमें लात मार के अंदर प्रवेश करो, ऐसा कुछ करो, ठीक है? तो कल हम लोग टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड जस्ट आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अब आगे मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं। वही सब चीजें चल रही थी, कौन कौन से सवाल आपको पूछ रहे, तो मुझे एक बार हमें बताइए। सब फुल भैया, ऐसा मैंने क्या किया? मेरे साथ रहता है, मतलब रोज नहीं मैक्सिमम ये रहता है मेरा, जो पढ़ाने को लेकर मैंने शेड्यूल अपना बनाया हुआ है, मैंने लगभग 10 फरवरी से मैंने बोला हुआ है मुझे बच्चों को टाइम ज्यादा देना है। तो कैसे भी करके सारी चीजें इधर उधर सेट करो, मुझे एक सेपरेट टाइम ड्यूरेशन चाहिए ना। मैं यूट्यूब पर पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे खुद के बच्चे जो है वो भी लेट हो जाते हैं, 8 बजे क्लास रहता है, कभी 8 बज जाता है, कभी 8:20 बज जाता है। तो मुझे एक सेपरेट टाइम निकाल के दो, तुम लोग कैसे अरेंज करते हो वो मेरी हेडक नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। तो बोले सर अभी तो आप पूरे पैक रखो, अभी तो कर नहीं सकते, कब कर सकते हो? बोले सर 10 या 15 फरवरी, और उसके बीच में आपका 14 फरवरी आ रहा है, घर जाने का टूर बना के बैठे हो, तो 15 फरवरी मान के चलते हैं। जो भी है सेट करो, ड्यूरेशन निकलनी चाहिए, कम से कम कितना निकाल सकते हो? बोले सर जब खूब खींचेंगे तो 4 से 4:30 निकलेगा, ट्राई करो, रात को आगे बढ़ा दो, सुबह जल्दी स्टार्ट करा दो, बट चीजें स्टार्ट होनी चाहिए और बच्चों को टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा। लगभग मैंने शायद 6 से 7 घंटे का टाइम निकाला है, अब उस 6 से 7 घंटे को यूटिलाइज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये अलग चीज। बच्चों को पढ़ाना, बिजनेस करना, अभी साथ पॉलिटिकल लाइफ भी संभालना, पर्सनल लाइफ भी संभालना, मुझे लगता है इंसान की मसीन दिन भर भागे रहो, रात भर भागे रहो, बट अच्छा लगता है, लगता है कुछ है। अभी जब मैं गया था तो आपने आपको बताया था कि रिपब्लिक डे की परेड का मुझे इन्विटेशन कार्ड है, तो मैंने सोचा था जस्ट नॉर्मल इन्विटेशन कार्ड था, मुझे यही लगा, मैंने कहा इतना बड़ा तो नहीं,
इनविटेशन कार्ड मिल गया बट मैं फिर भी बहुत ज्यादा खुश था कि यार रिपब्लिक डे के परेड का इनविटेशन कार्ड और एक नहीं मेरे पास, मैंने वो कार्ड संभाल के रखे हैं, मैं जैसे आपको भी दिखाता हूँ, वेट कर, मैंने सब कार्ड संभाल के रखे हैं।
अगर ये लोग 245 लोग 245 लोग 54 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं सर, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सब 245 लोग हैं, अगर 54 दिन काम किया तो ये कितना काम कंप्लीट करेंगे। अब ये काम है क्या, बोले ये पूरे काम का 7/11 हिस्सा है। तो अगर पूरा काम 7 यूनिट है तो अभी अगर पूरा काम 11 यूनिट है तो 7 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है 54 दिनों में 245 लोगों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया। अच्छा बचा कितना काम, बोले सर पूरा काम अगर 11 यूनिट है 7 हो चुका है तो 4 यूनिट बाकी है, दैट मींस ये है हमारा 7 यूनिट के बराबर। तो 1 बराबर फाइंड करेंगे तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 और 7 5 35 गुणे 54 1 बराबर सही आ जाएगा। मैंने कहा काम बाकी कितना है, बोले सर 4 यूनिट काम बाकी है तो 4 यूनिट बराबर फाइंड करो 35 70 140 गुणे 54 तो ये आ जाएगा 0 14 4 56 हासिल 5 14 5 70 5 75 अभी इतना काम होना बाकी है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये काम ना बाकी है। ये बात क्लियर, कोई नई बात नहीं की हमने भाई। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 245 लोगों ने काम किया, 245 यूनिट में काम हुआ, 54 दिन में काम कंप्लीट हुआ, निकालिए कितना काम कंप्लीट हो गया। अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 बराबर 245 गुणे 54 काम बाकी कितना, सर 4 यूनिट बाकी क्योंकि पूरा काम हमारा 11 यूनिट होने वाला था रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सर इतना काम अभी बाकी है, ये रेस्ट बाकी है। अब कुदरत का कहर, कुदरत का कहर सिर्फ खूबसूरती नहीं होती है ना, बोले कुदरत का कहर लग रही हो ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में भी काफी कुदरत के कहर निकल के आते हैं। तो कुदरत का कहर कैसे हो गया, बोले सर बारिश के कारण 11 दिन कोई काम। अब देखते जो काम कितने दिन चल रहा है, मैंने पूछे काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो जस्ट मैं आपको काम कितने दिन चला मैं उसके बारे में देखूँ तो आपको सर 54 दिन तो स्टार्टिंग में काम चला, पहली डेट में होगी 54 दिन स्टार्टिंग में काम चला मेरा, ठीक है। फिर 11 दिन तक बारिश की वजह से काम नहीं हुआ तो वो भी तो डेज टाइम पीरियड में काउंट हो जाएंगे, टाइम पीरियड में वो भी डेज काउंट हो जाएंगे, है ना। जैसे आपसे कहा जाए घर बनवाना है, आपने काम करवाना शुरू किया, घर में 2 महीने काम चला, फिर 1 महीने बराबर बारिश हुई, तो 1 महीने काम नहीं हुआ, फिर उसका बारिश बंद हुई, आपने 2 महीने और काम कराया, कितने दिन में घर तैयार हो, बोले सर 5 महीने में घर तैयार, 2 महीने पहले काम चला, 2 महीने बाद में काम चला, 1 महीने रुका, टोटल 5 महीने में घर तैयार। तो वही चीज 54 दिन काम हो चुका था, 11 दिन बारिश की वजह से चीज रुकी। अच्छा फिर क्या हुआ, बोले सर बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहेगा और 40% काम बेकार भी हो गया, 40% काम डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो नष्ट कितना काम हो गया, बोले सर डिस्ट्रॉयड वर्क, अगर हम डिस्ट्रॉयड वर्क निकालें से, बोले जो काम हो चुका होगा वही तो डिस्ट्रॉय हुआ होगा, उसी का 40% निकालना रहेगा। तो बोले सर इसका 40% अगर फाइंड करेंगे, 40% होता है 2/5, तो 2/5 अगर निकालते तो ये कितना जाएगा, बोले सर जाएगा 29 नहीं, कितना जाएगा 49 और 49 गुणे 2 ये हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, 40% अगर निकालेंगे तो 98 × 54 ये पूरा वर्क निकल गया, ये डिस्ट्रॉयड वर्क जो बर्बाद हो गया, ये काम हमारा बाकी था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब जो लोगों को काम दोबारा से स्टार्ट करना है बारिश खत्म होने के बाद, जो दोबारा से काम करना है कितना काम करना होगा, सर ये पूरा काम करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, तो कितना काम कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, मैं काम करना इसको उठा रहा हूं कॉमन ले, तो कितना काम करना पड़ेगा, तो आपको 140 × 54 एक तो इधर से करेंगे प्लस 98 × 54 दूसरा इधर से करेंगे, तो टोटल हमें जो वर्क करना है 140 × 240 हो जाएगा, तो 238 × 54 हमें ये काम कंप्लीट करना है, हमें ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है करो। कितने लोगों से कराओगे, बोले सर 245 लोग थे, सवाल में बोला गया है कि 41 लोग बीमार पड़ गए, 41 लोग बीमार पड़ गए, तो अब कितने लोग काम कर पाएंगे, बोले सर अगर 41 बीमार पड़ जाएंगे तो 204 लोग बचे काम करने को, 204 लोग बचे हैं तो 204 लोग इस काम को कंप्लीट करेंगे, तो मैंने कहा बेटा कितने दिन में करेंगे, बोले ठीक है सर 204 से डिवाइड कर देते हैं, कर लेते हैं तो 204 से इसको डिवाइड कर दो। देखो कोई रिफॉर्मेशन सवाल में छुट्टी तो नहीं है, 40% नष्ट भी हो गया बारिश के बाद, 11 लोग 41 लोग बीमार पड़ गए, काम करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, ठीक है सारी चीज सही है। अब सिर्फ आपको इसे सॉर्ट आउट करना है, सर ये कटेगा किससे, ये कटेगा किससे, तो मैंने 6 से काट लो, है ना, 6 से अगर कैंसिल करते हैं तो 6 से काटेंगे 6 में 9 जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दिया 18 ये तो अब 34 से कटेगा 28 से कैंसिल करेंगे 7 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे 7 × 63 दिन, तो अब इस काम को कंप्लीट करने में 63 दिन होना चाहिएगा, 54 दिन हो चुके थे काम में, फिर 11 दिन हुआ और फिर 63 दिन हुआ, टोटल कितना हो रहा है, तारीख 5 से 8 कोई हासिल नहीं, 5 से 6 और 6 12 128 दिन में काम कंप्लीट होगा, यही सवाल का उत्तर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि 128 दिन में काम कंप्लीट होगा। अच्छा पॉइंट समझे क्या है, बोले मुद्दा सिर्फ इतना था कि सवाल कितना भी टफ बना रहे, एक के बाद दूसरा स्टेप वन बाई वन हम लैंग्वेज को अगर फॉलो करेंगे तो सवाल कैसा भी टफ बना रहे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सभी को समझ में आया, पहले हमें ये बताओ क्या ये सवाल सभी को समझ में है, फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो कितना हो जाएगा, बोले सर 128 दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा इसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको भी कर लेते हैं, ठीक है क्योंकि कमेंट में किया, इसका कमेंट स्क्रॉल हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देख लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एबीसी टुगेदर डज अ वर्क इन सम स्पेसिफिक डेज, एबीसी ने कोई काम करना है किसी पर्टिकुलर टाइम में करना है, हमें नहीं पता कितने टाइम में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, हमने कहा किसी पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हैं जो भी इनका टाइम है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, ए टेक्स 6 डेज मोर फ्रॉम देम, ए को इनसे 6 दिन ज्यादा लगता है, तो ए कितना टाइम ले रहा है, बोले सर ए को 6 दिन ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब एक्स प्लस 6 डेज ले रहा है, बी टेक्स 1 डे मोर देन देम, बी इनसे 1 दिन ज्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एंड सी टेक्स डबल टाइम देन देम, सी को दोगुना टाइम लग रहा है, मतलब सी को 2x लग रहा है। आपसे पूछा है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में मिलकर खत्म करें, ये सवाल है, आई थिंक ये सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यस और नो, मुझे लग रहा है कि ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां से पॉइंट निकला था कि सी 2x डेज में काम कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर x डेज में काम कर रहे हैं, तो इनके वर्किंग डेज का रेशियो कितना, 1:2, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना, 2:1, मतलब सी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए बी सी मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे, दैट मींस सी 1 यूनिट काम करेगा और ए और बी मिलकर 1 यूनिट काम करेंगे, दैट मींस पॉइंट यहां से निकल के आ जाएगा कि सी बराबर है ए प्लस, सी बराबर है ए प्लस बी। अच्छा कल पूछा था आपने, ओके वही मैं कह रहा हूं कि सवाल में, तो ये हमने फाइंड कर लिया।
C2X दिन में काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये लोग V2X दिन में काम करेंगे। अब A अकेले कर रहा है X plus 6 days में, B अकेले कर रहा है X plus 1 days में, और ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं 2X days में। तो जरा मिलकर के कितने दिन में करेंगे ये जरा चेकआउट कर लेते हैं। तो मिलकर के अगर देखा जाएगा तो इनका LCM हो जाएगा X square plus 7X plus 6, ये टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा X plus 1, तो यहाँ पर आ जाएगा X plus 6, तो डिवाइड करेंगे 2X plus 7 से। एक तरीके से कितना टाइम लगेगा और दूसरे तरीके से कितना टाइम लग रहा है, ये हमने फाइंड कर लिया ये सवाल में दिया। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर भी बराबर करते हैं, तो हमें अगर इन्हें बराबर करना है, जिसको बराबर कर लिया जाए तो बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू, ये 2x उधर जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 7 गुणा 14x। एक्स स्क्वायर को अगर उधर ले जाओगे आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, 7x को अगर उधर ले जाएंगे 7x और माइनस का 6 इक्वल टू 0, 6 या 18, 18 कैसे फैक्टर करो घटाने से 7 आ जाए, तो पता है 9 गुणा 18 तो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लो इनके, यहाँ से 3x बाबू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपके x प्लस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकलेगा, बस सर यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2/3 और माइनस का 3, x बराबर आ जाएगा 2/3 और माइनस का 3। अब हम वर्किंग डेज माइनस में तो हो नहीं सकते, कभी ऐसा होगा बल्कि काम कितने दिन में, कभी माइनस 2 दिन में, माइनस 2 दिन क्यों होता है, तो होगा ना, तो इसलिए माइनस वैल्यू बन, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि a और b मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो a और b मिलकर 2x दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर x बराबर 2/3 है तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 4/3 और यही इस सवाल का उत्तर है। पॉइंट क्लियर, बात समझ में आ रही सभी को? अच्छा फिर इसके बाद में अब इस कोली का अगला सवाल देख लेते हैं। आप लोग भी अपने सवाल भेज सकते हो अगर आपके लिए, या फिर बताओ मैं भी तुम्हारे पास एक इन्विटेशन कार्ड भेज देता हूं, क्यों ले आओ सवाल पूछ करके चलेगा। अच्छा अब अगला सवाल देखते हैं, कोली ने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 4 टाइमिंग वर्क, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 4 टाइमिंग वर्क, ठीक है। सवाल क्या है, ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 शिफ्ट में काम करते हैं, तो एक काम क्रम से 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग 10 डेज पर डे, द वर्क टू बी डन इन 2 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट इज फॉर 6 आवर्स एंड इवनिंग शिफ्ट फॉर 4 आवर्स, ठीक है। 10 घंटे का भी 2 शिफ्ट का मतलब समझ में नहीं आ लॉजिकली, 2 शिफ्ट का कैसे है, तो उन्होंने बताया कि सुबह 6 घंटे काम करते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना आराम करते हैं, जैसे घर पे काम करते थे लेबर लोग, वैसे भी काम करते थे, सुबह काम किया फिर दोपहर में खाना खाया, आधा पौन घंटा आराम किया फिर काम किया, शाम को घर चले गए, तो वही इनके भी काम करने का तरीका है, एंड ओवरऑल 10 घंटे काम करेंगे पूरे दिन, कोई बड़ी बात नहीं, नई चीज नहीं है, ये सब चीजें तो हमने अपने यहाँ पे देखी हुई है, और ए 24 दिन में इस तरीके से काम कंप्लीट कर लेते हैं और बी इसमें कर लेते हैं, अब दोनों लोग 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, पॉइंट समझना, टर्निंग पॉइंट है, दोनों लोग सर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम तो बराबर दे रहे हैं, फिर ए 24 घंटे में काम कर रहे हैं और बी 30 घंटे में काम कर रहे हैं, मतलब वर्किंग डेज रेशियो कितना हो गया 4:5, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का आपको सर 5:4, सिंपल सी बात है। अभी क्या उन्होंने बोला, पहले दिन ए सुबह में काम करता है और बी शाम को काम करता है, फिर वे अपनी शिफ्ट को हर रोज अदला बदली करते हैं, ज्ञात करें कितने दिन में और कितने समय में और दिन काम पूरा होता है, क्या है, फाइंड इन हाउ मेनी टाइम एंड ऑन व्हिच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन बना, अच्छा देखते हैं कि चीजें क्या सीन, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे, पहले पूरे काम का लेखा जोखा निकाल लेते हैं कि पूरा काम है कितना, तो ए भाई साहब 5 मिनट काम कर रहे हैं, भाई साहब 4 मिनट काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, हमने कहा 1 घंटे में 5 मिनट काम कर, 1 घंटे में 5 मिनट काम कर रहे हैं, पूरा काम कितना, बोले सर अगर 1 घंटे में 5 मिनट काम करें, 10 घंटे में 50 मिनट काम कर देगा ए, और 24 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 24 × 50 24×5=120 टोटल वर्क निकल के आ जाएगा हमारे पास में 1200 मिनट, ये सुनो, हमने कहा ए 5 मिनट काम कर रहा है 1 घंटे में, 20 मिनट अगर बी से कैलकुलेट करें तो बी 4 मिनट काम कर रहा है 1 घंटे में, बी 4 मिनट काम कर रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे में 40 मिनट काम करेगा, 30 दिन में कितना के 40×30=1200, ये पूरा हमारा काम। अब इस काम को हमें कंप्लीट करवाना है किस तरीके से, अब कंप्लीट करने में लोगों ने खेलना शुरू कर दिया, कंप्लीट करने में लोगों ने खेलना क्या शुरू कर दिया, बोले सर इन्होंने खेलना ये शुरू कर दिया कि पहले दिन ए मॉर्निंग में काम करेगा और बी इवनिंग में काम करेगा, मॉर्निंग में 6 घंटे की शिफ्ट है, तो अगर ए ने 6 घंटे काम किया तो फर्स्ट डे क्या सीन बनेगा, फर्स्ट डे क्या सीन बनेगा, तो आपको सर ए ने 6 घंटे काम किया 6×30 और बी ने 4 घंटे काम किया तो 16 40 मिनट कंप्लीट, दूसरे दिन का काम किया सर दूसरे दिन लोगों ने शिफ्ट बदल दी, अब बी मॉर्निंग में आ गया, ये तो बोला नहीं कि बी सुबह शाम को काम करता है और अपनी शिफ्ट को हर रोज अदला बदली करता है, मतलब अगर मॉर्निंग में किया तो अगले दिन मॉर्निंग में भी काम करेगा, कर खेल करो या कोई फर्क नहीं है, तो बी ने अगर मॉर्निंग में काम किया 6 घंटे तो 6×24 मिनट काम करेगा, और प्लस ए ने अगर शाम को काम किया 4 घंटे तो 20 मिनट काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा आपको सर यहाँ से आ जाएगा 44 मिनट का, ठीक है 44 मिनट काम हो गया, 2 दिन में कितना काम, उसके बाद तीसरे दिन फिर से यही चीज आएगी 40 44 44 चीज चलेगा, तो पेयर कितने का बना, बोले सर पेयर बन रखा है 90 यूनिट काम का, 90 यूनिट 6 दिन में, सॉरी 2 दिन, 90 यूनिट काम रखा है 2 दिन, खुशी की बात है। अब क्या किया, अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, बोले सर काम है हमारा 1200 यूनिट, अब 1200 यूनिट पे फोकस करो, इस 1200 यूनिट में 90 का सबसे बड़ा फैक्टर डालो, मैंने कहा अच्छा तो 0 डालो, ठीक है 0 तो एग्जैक्टली जाएगा, कौन सा नंबर 1200 से छोटा है जो पूरा 9 से कट जाएगा, तो आपको सर 9 से कटना है, तो 108 इधर पे था, 1170 वो नंबर है जो 90 से कट जाएगा, मेरा रिमाइंड 1170 वो नंबर है जो 90 से कट जाएगा, तो 1170 यूनिट काम इन लोगों ने पेयरिंग में कर लिया, कितना दिन लग गया 1170 काम करने में, 90 यूनिट करने में 2 दिन लग रहे हैं, 13 गुना है, तो 2 का 13 गुना करेंगे, 1170 यूनिट काम करने में 13 गुना 26 दिन लग गए, 26 दिन इस तरीके से साफ साफ क्लियरली लग गए, 1170 यूनिट काम हो गया और 26 दिन लग गए, अब क्या नंबर है सर, अब फिर इसका नंबर है, और इसका मतलब यह है कि 46 यूनिट काम करने का, और काम तो बचा है सिर्फ 30 यूनिट, काम तो बचा है सिर्फ 30 यूनिट, और
एक दिन में 46 मिनट वाला पैटर्न आ चुका है, तो इसका मतलब है कि 27वें दिन दिन के बीच में ही कहीं पर काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 27वें दिन किस टाइम पे काम कंप्लीट होगा? अगर हमसे बोलोगे फाइंड करने को, हम वो भी फाइंड कर देंगे। किस टाइम पे कंप्लीट होगा? 30 मिनट काम बचा है, ए मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, करके निकल जाएगा। यस नो? 30 मिनट काम बचा है, ए मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, काम करके निकल जाएगा, काम खत्म। तो 27वें दिन की मॉर्निंग शिफ्ट जब खत्म होगी, काम कंप्लीट हो चुका होगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। पॉइंट क्लियर समझ में आया? यस नो? पॉइंट क्लियरली समझ में आया सभी को? उन्होंने पूछा किस दिन खत्म होगा काम? बोले 27वें दिन खत्म होगा। किस शिफ्ट में खत्म होगा? जैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट खत्म होगी, काम कंप्लीट हो चुका होगा। ये आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 15वां क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास सामने कि 20 व्यक्तियों ने कोई कार्य कुछ दिनों में पूरा किया। अगर 5 व्यक्ति और होते तो कार्य को करने में 4 दिन का समय कम लगता। दस व्यक्ति की टीम इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते? 20 आदमी है किसी काम को कर रहे हैं, 5 व्यक्ति और होते तो 4 दिन कम लगते। अरे ये तो सिंपल सा सवाल है। लेवल 3 क्वेश्चन 15 टाइम टेन वर्क। देखो पहले 20 आदमी है, बाद में 25 आदमी हो गए, तो ये एफिशिएंसी में अगर एक आदमी एक यूनिट काम कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 15 नहीं 17 है। ओके तो मैं कहूँगी 15 क्यों पूछा? 15 में ऐसा कुछ फील नहीं है। चलो 17 देखें। 17 क्या खतरनाक है? अनुष्का आगे इसमें है। अनुष्का और अनिरुद्ध क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अनुष्का और अनिरुद्ध वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्किंग 20 डेज। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने 7 काम शुरू किया, पर अनुष्का ने एक्स दिन तक काम किया और बचा हुआ काम अनिरुद्ध ने एक्स बटे 2 दिन में कर लिया। अगर अनुष्का 3/3x/4 दिन की काम करती तो अनिरुद्ध बचा हुआ काम एक्स दिन में कर लेता। तो अनुष्का और अनिरुद्ध की क्षमता का रेशियो बताइए क्या है सवाल में। तुम इस सवाल को मुद्दा समझो क्या है। अनुष्का समझना मेरी बात को। अनुष्का अगर एक्स दिन तक काम कर रही है, ठीक है, अनुष्का की एफिशिएंसी कितनी मान ले? बोले सर अनुष्का की एफिशिएंसी मान लो ए, और अनिरुद्ध की है, ये दोनों के नाम एक जैसे हैं, ए एंड एन। मैं अनुष्का की एफिशिएंसी ए मान ले रहा हूं और अनिरुद्ध की एफिशिएंसी ए एन मान ले रहा हूं। चलेंगे तो सीन क्या बना यहां से कि अनुष्का ए एफिशिएंसी के साथ में एक्स दिन काम कर रही है प्लस अनिरुद्ध की ए डैश मान ले। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इससे की जरूरत बाद में देखेंगे। अनुष्का की एफिशिएंसी ए, अनिरुद्ध की एफिशिएंसी ए डैश। दूसरी कंडीशन यह है, अगर अनुष्का 3x/4 दिन ही काम करती, अगर अनुष्का 3x/4 डेज ही काम करती तो बचा हुआ जो काम है वो अनुरुद्ध एक्स दिन में कर लेता है। इसका मतलब अनुरुद्ध बी यूनिट के साथ एक्स दिन काम करता और काम कंप्लीट कर देता। ये भी आपका पूरा काम है, ये भी आपका पूरा काम है। ये चीज़ में क्या करना है? मिसल दोनों आपस में बराबर। अब ए को ए ले आओ, बी को बी ले आओ, तो अगर इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा आपका ए इंटू एक्स अपॉन 4 बराबर। इसको उधर ले जाएंगे तो बी इंटू एक्स बाई 2, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा 2/1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ये सवाल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मिसल ऑप्शन सी करेक्ट है। बात क्लियर? ये तो सरल सवाल था। 25 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये संजय ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे बार बार? क्यों संजय? क्वेश्चन नंबर 25 लेवल 3 क्वेश्चन 25 डिवाइडेड बाय टाइम एंड। इन्होंने बोला है कि अलॉर्ड को एक गारमेंट कंपनी से 480 डिनम शर्ट बनाने का टेंडर मिल गया, ठेका मिल गया। ठीक है, उसने 12 सिलाई मशीन खरीदी और कुछ लोगों को काम पर रखा, किंतु कुछ लोग काम पर नहीं आए, इसकी वजह से बाकी बचे लोगों को 32 शर्ट ज्यादा सिलनी पड़ी और सभी ने बराबर बराबर काम किया। तो बताओ पहले कितने लोगों को लिया था और बाद में कितने लोग रह गए? सही है, ठीक है, ओके ना। तो 480 शर्ट का टेंडर लिया था, बोले सर 480 शर्ट बनानी कैसे, बाद में कुछ लोग नहीं आए और हर एक बंदे को 32 शर्टें ज्यादा सिलनी पड़ी। ऑप्शन पकड़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बोले सर कितने लोगों काम पर लिया था? 12 लोगों काम पर लिया था और 4 लोग कितने लोग रह गए? बोले 4 लोग रह गए। हाउ मेनी हैड नॉट रिपोर्टेड टू वर्क? कितने लोग काम पर नहीं है? बाबू इंग्लिश को पढ़ो, मैंने आपको चीज बताई थी इंग्लिश को पढ़ते हुए चलना। तो इंग्लिश में यह पूछा गया है कि हाउ मेनी टेलर्स हैड बीन अपॉइंटेड, कितने लोगों को काम पर रखा गया था, एंड हाउ मेनी हैड नॉट रिपोर्टेड फॉर वर्क, कितने लोग काम पर नहीं है। हमने पहला ऑप्शन पिक किया, हमने बोला 12 और 4। हमने ऑप्शन ए पिक किया, बोले सर 12 और 4। अब अगर 12 लोग रखते तो 40 शर्टें बनानी पड़ती। लेकिन चूंकि 4 लोग नहीं आए तो इसका मतलब 8 लोग आए, तो इसका मतलब इन लोगों ने 60 सर्टें बनाई होंगी। तो कितनी सर्टें पहले ज्यादा बनाई? 20। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? बोले 32 सर्टें ज्यादा बना रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हम लोग अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ये सुनो, ऑप्शन बी 10 और 3, 10 लोग थे, कितनी सर्टें बनानी थी? बोले सर पर हेड 48 सर्टें पड़ती। हमने कहा 3 लोग नहीं आए, मतलब 7 लोग आए। बोले सर आगे कहानी खत्म, आधी सर्ट पड़ेगा बनाएगा, क्योंकि ये 7 से कट ही नहीं रहे। जब नहीं कट रहा है तो बी का भी काम खत्म हो गया। हमने कहा अब क्या किया जाए? सर सी ऑप्शन और देख लेते हैं, अगर सी मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो बी तो अपने आप सही हो जाएगा। तो 10 लोग थे, इसका मतलब पर हेड 48 सर्टें बनानी थी। 4 लोग नहीं आए, इसका मतलब 6 लोग बचे और 6 लोगों के साथ कितनी सर्टें बनानी? 80 सर्टें बनानी पड़ी। और अगर डिफरेंस देखा जाए यहां पर, आप बोलोगे सर 32 सर्ट एक्स्ट्रा। यस और नो? तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सिंपल। यस, और भी किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, किसी भी किताब का सवाल पूछना हो, आप पूछ सकते हो। किसी भी किताब का सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहां तक?
बेसिक जानने वाले तो बेसिक में फैक्टर्स में फंस जाओगे, है ना, बेसिक में फैक्टर्स में फंस जाओगे, फैक्टर्स में फंस जाओगे, इसलिए बेसिक अवॉइड करो। यहां फैक्टर में कैसे फंसोगे, सपोज करो x लोग काम पर रखे, बोले p लोग काम पर नहीं आए, तो 480 डिवाइडेड बाय x और 480 डिवाइडेड बाय x माइनस p, तो x माइनस p वाला को पहले रखेंगे तो फिर रहेगा क्या, बोले 480 अपॉन x माइनस p माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 32, सॉल्व करके फिर आंसर पर पहुंचेंगे। तो बेसिक में जाने में फंस जाएंगे, इसलिए आपको मैंने सीधा बोला ऑप्शन से, क्लियर। ठीक है, और कोई सवाल पूछना है किसी को, और कोई सवाल किसी को पूछना है, एनीवन, यस और नो, ओके गॉट इट। चलिए भाई, तो आपका जो टाइम एंड वर्क यूनिट है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मंडे को आपकी स्पीड डिस्टेंस यूनिट स्टार्ट होगी, मंडे को आपकी स्पीड डिस्टेंस यूनिट स्टार्ट होगी। आप लोग एक काम करना, अर्थमेटिक का पूरा रिवीजन करते हुए चलना, जितना भी आपको पढ़ाया गया रिवीजन का काम आपके ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी के साथ है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एफ और क्या होता है, एफ और क्या होता है, दिमाग में तुरंत आता है एप्पल, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवीजन। मिलन का आयतन कितना होता है, आई स्क्वायर एच, अपोलोनियस थ्योरम कितना, क्या होता है, अपोलोनियस। प्रॉब्लम कहां पे आई, पढ़े दोनों को, मिलन का आयतन भी पढ़े हो, अपोलोनियस थ्योरम भी पढ़े हो, जिसने भी पढ़ा होगा, बट मिलन का आयतन खटाक से निकलता है, मुझसे अपोलोनियस कम निकलती है। रीजन, रिवीजन, जिस चीज को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फ्लुएंसी उतनी बेहतर आएगी उसमें, है ना, कितना करत करत अभ्यास से बस ये काम आपका। ठीक है, आज का सेशन ओवर कर रहे हैं, डाउट कंप्लीट हो चुके हैं, और आज का सेशन बेसिकली डाउट क्लियर रखा, कल भी डाउट वाला हुआ था, आज भी डाउट वाला है, तो आई थिंक डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम लोग मंडे से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्पीड डिस्टेंस, और बेहतर तरीके से तैयारी करने, क्योंकि मंडे को जो स्पीड यूनिट स्टार्ट होने जा रही है, स्पीड, ट्रेन, मोड एंड एक्सट्रीम, रेस, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो आज का सेशन फिर कंप्लीट कर रहा हूं, ओवर कर रहा हूं, और मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। दो दिन आप लोग एंजॉय करो, रिलैक्स लो, क्योंकि आगे फिर थोड़ा सा आपका वर्क टाइम बढ़ेगा। सीट 2 79 बता दीजिए लास्ट, अच्छा ये लास्ट में बोलता है कि सीट 2 और 79 बता दो, तो बता नहीं बता रहे, कहां बोले 79, ये 79, ये तो इंग्लिश में लिखा है, हमको हिंदी आता है समझ, इंग्लिश नहीं आता है। लेवल 2 क्वेश्चन 79 टाइम वर्क, इसमें आपसे बोला गया एक टास्क इन 18 डेज, वी कैन डू द सेम टास्क इन 24 डेज एंड सी कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्क इन 36 डेज। ये तो यार पाइप एंड सिस्टम वाले पैटर्न का सवाल है, ये सब बोले एक काम कर रहे हैं, बी काम कर रहे हैं, सी काम खराब कर रहे हैं, ए नल पानी भर रहा है, बी नल पानी भर रहा है, सी पानी को बाहर निकाल रहा है, ये तो पाइप एंड सिस्टम वाला कांसेप्ट है। 18 24 36, ए 18 बी 24 और सी 36, और सी पर स्टैंड लगा लो, एक खरापाती आदमी काम खराब करने वाला, एक काम बिगाड़ने वाला है, एलसीएम कितना हो जाएगा, और सर 72 हो जाएगा, 18 डिवाइड करें 18 चौक 72 24 3 72 और ये लो, मतलब ये काम कितना कितना कर रहे हैं, बोले सर ये 4 मिनट 3 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट बिगाड़ रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ सर, वर्क एंड वेजेस में 25 क्वेश्चन ओनली, नो 25 तो साइड उसमें, ओके 25 कांसेप्ट बिल्डिंग, कांसेप्ट बिल्डिंग, अच्छा पाइप सिस्टम की वो मिली क्या आपको, सीट पाइप सीट देखो, सीट कौन कौन सी देखो, ये सर्वर वाला काम मैं करता नहीं इसमें, अच्छा लेवल 1 ही है, हो सकता है शायद लेवल 1 ही डालो, पाइप सिस्टम का दे दिया, लेवल 1 2 हां फिर तो सीट पहुंच चुकी है बाबू सर, सीट पर पहुंच चुकी है, तो 25 ओके। ठीक है, x + x 3 4/5 करके क्वेश्चन, ओके ठीक है, यही तो 79 है चाचा, आपसे पूछा है क्या बोला है कि इफ ए एंड बी वर्क फॉर फर्स्ट एक्स डेज टुगेदर आफ्टर देन सी आल्सो जॉइंड देम रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन एक्स प्लस 4/5 डेज, तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज द थ्री वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री वर्क टुगेदर। ये सवाल है क्या है, ये सवाल है या क्या है, क्या करना रहेगा, बोले सर अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम रखा है, 5 मिनट काम रखा है, तो गौर से समझ जाए, एक्स दिन ए और बी ने मिलकर काम किया, तो x दिन अगर a और b मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट करेंगे, बोले सर x दिन अगर मिलकर काम करेंगे तो 7x यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में साथ में काम कर रहे हैं तो x दिन में कितना करेंगे, 7x, तो क्या सीधे ज्वाइन कर लिया, हमने कहा ठीक है अब कितना काम हो रहा है, सर 5 मिनट काम हो रहा है, ओके कितने दिन काम चला, बोले सर x + 24/5, उस फ्रैक्शन को सही करके लिखोगे तो 24/5 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, आप बोले सर 5x + 24/5 है तो 5 कट जाएगा 24, यही तो पूरा काम है, आपको ये बराबर है 72 के, दैट मींस x = 48 एंड x = 4, x की वैल्यू 4 आ गई, उन्होंने पूछा तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, आपको सर तीनों ने मिलकर के काम किया x + 4 = 4/5 डेज, वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 8 = 4/5 डेज, पर यही सवाल का उत्तर है 8 = 4/5 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आज का सेशन, और कोई सवाल किसी को पूछना है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, और डाउट सेशन लगाया करिए। अच्छा मैं सोच रहा हूं कि लगभग किसने आ रही है, रुको कितनी चीज काम करते आज कितनी तारीख है, 29 है ना, इसको नहीं आ रहा है 30
कन्वर्सेशन पे उबर कर रहा हूं, कल मुलाकात करेंगे, कल नहीं करेंगे, मंडे करेंगे, है ना, दो दिन एंजॉय करो, उसके बाद मंडे से आपस में चलते हैं, ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर।